नमस्कार दोस्तों, को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्मीटेक में। टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने गोरिल्ला ग्लास का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं इस वीडियो में गोरिल्ला ग्लास के बारे में ही बात करने वाला हूँ और बताऊंगा कि यह इसका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, आप जब कभी मार्केट में फोन लेने जाते हैं तब आप स्पेसिफिकेशन के अलावा डिस्प्ले पर भी ध्यान देते हैं कि यह गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्ट है या नहीं। लेकिन दोस्तों, यह फीचर तो काफी आम हो चला है। ये तो आप जानते ही होंगे कि गोरिल्ला ग्लास फोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला ग्लास के भी कई प्रकार होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगली बार फोन लेने से पहले आप समझ पाए कि कौन सा ग्लास कितना मजबूत है। दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास की मजबूती के लिए इन्हें नंबर के जरिए जाना जाता है। हर नंबर के ग्लास की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, गोरिल्ला ग्लास क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन की स्क्रीन इतनी हार्ड नहीं होती है कि उसे गिरने पर टूटने से बचाया जा सके, तो वहीं गोरिल्ला ग्लास से बनी स्क्रीन के लिए ऐसा दावा किया जाता है कि फोन गिरने या टकराने से फोन की स्क्रीन सुरक्षित रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि गोरिल्ला ग्लास मजबूत तरीके से बनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कॉर्निंग नाम की कंपनी बनाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये कितना मजबूत हो सकता है। दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास की हार्डनेस को मापने का एक स्केल होता है। इस स्केल को हम मॉस स्केल ऑफ हार्डनेस कहते हैं। इस स्केल में जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा उसका उतना ही नंबर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप जानते होंगे कि हीरा सबसे मजबूत धातु है, इसीलिए उसे 10 नंबर मिला है। तो वहीं इस स्केल के अनुसार गोरिल्ला ग्लास 6.5 स्केल तक की खरोंच को सहन कर सकता है। दोस्तों कहने का मतलब अगर गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन वाला फोन अगर कहीं गिरता या टकराता है तो उसकी हार्डनेस अगर 6 या 6.5 तक होगी तब स्क्रीन पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं मार्केट में 5 प्रकार के गोरिल्ला ग्लास मौजूद हैं। पहला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 1। इसका पहला वर्जन 2008 में आया था। प्रेजेंट समय में इसका 5वां नंबर चल रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 यह 2012 में लॉन्च हुआ था। वहीं पहले के मुकाबले यह 20% पतला है। बता दें, पतले ग्लास होने की खासियत यह है कि ग्लास जितना पतला होगा उसका टच उतना ही बढ़िया काम करेगा। अगला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। इस ग्लास में नेटिव डैमेज रेजिस्टेंस नाम की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। कंपनी का दावा था कि ग्लास नंबर 2 से 3 गुना पतला और ज्यादा मजबूत होगा। अगला निकल के आ रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4। इसमें एक नया फीचर स्क्रैच रेजिस्टेंट को ऐड किया गया था। इसमें कंपनी ने दावा किया था कि 1 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी 100 में से 80 बार आपके फोन को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अब अगला ग्लास निकल के आ रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। दोस्तों, मार्केट में मौजूद यह सबसे लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास है। तो वही कंपनी ने दावा किया है कि यह नंबर 4 से 4 गुना ज्यादा डैमेज रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट, मजबूत और पतला है। तो बस दोस्तों, इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको गोरिल्ला ग्लास के बारे में अब समझ में आ गया होगा। इससे आप स्मार्टफोन लेने से पहले देख सकते हैं कि आपके फोन की स्क्रीन में कौन सा ग्लास मौजूद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। ऐसी ही टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय।